कांग्रेस के 8 नाराज विधायक दिल्ली दौरे पर है, आलाकमान से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या से कहीं ना कहीं अवगत कराने की कोशिश करेंगे। आज इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कांग्रेस के 8 विधायक जो नाराज चल रहे थे वो दिल्ली गए हुए। हालांकि आंकड़ा जो है वो 12 का था कि 12 विधायक नाराज चल रहे हैं, 4 विधायक अभी भी रांची में है। ऐसा क्या हो गया, क्या फूट हो गई, क्या ऐसा लगा 4 विधायकों को कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आलाकमान जो डिसीजन ले लिए हैं वो ले लिए हैं? नहीं, माननीय विधायकों का नाराजगी लाजमी है, कोई फूट वगैरह नहीं है, तब है कि ये हम भी उस पर आते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष, हम लोगों को उस यहाँ के जो प्रदेश नेतृत्व में एक तरफ से कहा जाए कि वो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, अदरवाइज ये सब मामला आपका आलाकमान तक जाना भी नहीं चाहिए था। माननीय विधायकों की बात को सुनी जानी थी और समय रहते ही उस पर उसका हल किया जाना था। कहीं ना कहीं हम लोग प्रदेश नेतृत्व में इसमें चूक हुई है, इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब है कि दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है, कुछ चीज़ें अपने आलाकमान के पास में, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग प्रदेश नेतृत्व इस पर गंभीर नहीं होने के कारण उनको आलाकमान के पास जाना पड़ा, तो वहाँ जाएंगे और वो वहाँ पर अपनी बात को कहीं ना कहीं तो रखना ही होगा ना, तो इसलिए बात को रखे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा कारण हुआ कि 4 विधायक बैकफुट पर आ गए, यानी कि उसमें शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद है, रामचंद्र सिंह भी मौजूद है, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी मौजूद है और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी भी है। देखिए, हो सकता है नमन विक्सल के बारे तो मैं सुना है कि उसका तबीयत खराब है, और पूर्णिमा का भी कहिए कि अपना कार्यक्रम था और कार्यक्रम लगे रहने के बाद में अगर उसको स्थगित करते हैं तो जनता में गलत मैसेज आए। आपको मालूम है कि मांडर में विगत दिनों काफ़ी आपका ओलावृष्टि वगैरह, फसल वगैरह बर्बाद हो गया, जैसे और ऐसी स्थिति में किसानों का जो अभी आकलन का काम चल रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि दिल्ली चला जाए इस सब चीजों को लेकर के, तो ये कहीं से उचित नहीं होता। मैसेज तो गलत जा रहा है ना दादा कि 4 विधायक यहीं पे है। नहीं, मैसेज क्या गलत जाएगा, उनका अपनी जो ये थी कुछ व्यस्तता था, अपना कार्यक्रम वगैरह था, तो मैसेज क्या जाएगा। मैसेज तो स्वाभाविक है कि भाई जब इस तरह की बातें होती है तो मैसेज गलत जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा आपको कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व में चूक हुई है, इन बातों को हमको पहले ही सुनी जानी चाहिए थी। आपने दिल्ली का जिक्र किया, लेकिन कल रासो होटल में भी तो 4 विधायक आ सकते थे, जो 4 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे, तो रासो होटल तो रांची में ही था। नहीं नहीं, हो सकता है अपनी अपनी बात ही होगी, पूरा कुछ बात है अब नहीं आया उसमें, तो इसमें हमको लगता है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन व्यक्तिगत आप उसको करिश्मा जी उस लोग से मिल करके माननीय विधायकों से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा, पूर्णिमा जी के कहने क्या हम क्या कह सकते हैं, तो इसलिए उन लोगों को व्यक्तिगत उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। विधायकों का कहना है कि उन्हें अंधकार में रखा गया, ये कहा गया कि जेएमएम में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए कांग्रेस में परिवर्तन नहीं होगा। इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश नेतृत्व का चूक हुई है, इस बात को मैं भी सामूहिक रूप, मैं भी प्रदेश नेतृत्व मानता, मैं इस जिम्मेवारी को लेता हूँ, चूक हुई है। तो इसका विकल्प क्या है दादा, अगर ये लोग आलाकमान से मुलाकात करने के लिए गए हैं, अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे तो क्या विकल्प है? बातों को रखने दे दो, आप तो निर्णय आलाकमान ही लेंगे उसमें ना, आलाकमान ही लेगा। कुछ बदलाव हो सकता है अभी भी, क्योंकि सब लोगों ने पदभार ग्रहण भी कर लिया, इसके बारे में हम कैसे कहेंगे, आप तो जो निर्णय, जो आलाकमान का जो निर्णय वही ना होगा। दादा, कार्यकारी अध्यक्ष, क्या लगता है कि जो हो रहा है अभी कांग्रेस में, कुछ बदलने की जरूरत है? कई विधायकों का कहना है कि जो 4 विधायक मंत्री है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। नहीं, कुछ चीज़ों को मैंने कहा, उस चीज़ों को आप समझ लीजिए, करिश्मा जी रिपीट करा रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद थे, इनका कहना है कि थोड़ी सी गलती हुई है प्रदेश नेतृत्व में, इसके साथ ही सभी जो विधायक है आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जो 4 विधायकों का बात सामने आ रहा था कि 4 विधायक बैकफुट पर आ गए हैं, तो उनका कहना है कि सभी विधायक जो है निजी कार्य से यहाँ पर है, यानी कि 4 विधायक अपने निजी कार्य से यहाँ पर मौजूद है और जो अन्य 8 विधायक दिल्ली गए हुए हैं वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे और उनसे ये बातें करेंगे कि आखिर कहां चूक हुई, आखिर उन्हें उनका हक और अधिकार क्यों नहीं मिला। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत, नमस्कार।